सिर्फ मजहबी जज्बा आपको छेड़ देंगे। हम शुरू से कहे चुनाव मैदान में आप मजहब को मत जीतो, धर्म संसद के नाम पर, इफ्तार पार्टी के नाम पर ईद के चुनाव में जाकर के खाते बंद करके क्या समझे। मोदी देखे इतना बड़ा चूल्हा लगा करके, गिरवा पहन करके, गुहा में पहुंच करके अपने को बहुत बड़ा धर्म साबित करने वाला। ममता बनर्जी हिजाब पहन करके, जैसे वजू करके हमारी माँ पहन जाती है ना कि बाल बाल दिखने नहीं मिले, तो आंचल को लेकर के सब यहाँ से लेकर के काम चलाती है, तो ममता बनर्जी वैसे ही बिल्डिंग में चलती थी, जैसे पता नहीं चलता कि वो दुआ मांगने उठी है, माजा करने के लिए उठी है या तकदीर करने के लिए। अभी आप जब मैं 10 साल से चीख चीख कर ये बोल रहा था, तो शरीफ भाई ऐसा मत बोलिए, ये मेरा जैसे देता ना एकदम फटकर भेजता हो तो जगह से ना। देखो भैया हदीस में लिखा होता है शैतान भी अपना शैतानी है, प्रतीत करने के लिए कभी कभी दृष्टा का भेद बदल करके आता है। और बंगाल में हम ये देख रहे हैं दो शैतान, आप लोग आ गया इतने मुंह इतना खराब इतना गंदा इतना क्या क्या करना पड़ेगा, बीजेपी को लाना पड़ेगा, कांटा से कांटा निकलेगा। हम तो कांटा बोले, तो क्या बोला, एक फूल को मारने के लिए दूसरा फूल लाना पड़ेगा। अब दो सरकार हो गया, दो कांटा हो गया, आपका पहले एक कांटा चुना है उसको आपको निकालना है, अब दूसरे कांटा चुन जाए बोले 56 दिन छाती चाहिए, बोला कहा नहीं है तो ये सुबह भाषण देकर कौन है तृणमूल वाली है। असल में वो दोनों आपस में फ्रेंडली मैच खेल रहा है, बांट रहा है, हर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इसी अजीत सिंह काकीनाडा में बैरकपुर में पिछले 10 साल से तृणमूल और बीजेपी का झंडा बदलते बदलते कभी हिंदू मुसलमान बिहारी बंगाली उर्दू बोलने वाले बंगला बोलने वाले बॉर्डर के पटवार किया ना, वहां के लोग जो एक साथ पसीना बहाते हैं झुंडे में, एक ही ऑटो में सफर करते हैं, एक ही बाजार में पसीना सूंघते हैं एक दूसरे का, लेकिन लोगों को मालूम हो गया ये हिंदू है ये मुसलमान है ये बंगाली है ये बिहारी है ये बंगला बोलने वाला है ये उर्दू बोलने वाला है हिंदी बोलने वाला, लेकिन ये पता नहीं चला कि अर्जुन सिंह बीजेपी है या तृणमूल है। ये तमाम जितने नुमाइंदे हो गए बीजेपी या तृणमूल के, असल में कौन है किसी को मालूम नहीं, ये हकीकत का सामना कभी ना कभी करना पड़ेगा। और आज अभी जब बीजेपी का हवा पतला हुआ है, सब देखो आप ममता बनर्जी भी क्या बोल रही है, फिर से रामकृष्ण मिशन भारत सेवा संगठन क्यों बोली, ताकि गेरुआ वाले सन्यासी वाले नीचे उतरे और थोड़ा हिंदू जनता को ठेस पहुंचे, फिर बीजेपी वाले का हजाब गरम हो, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस जब एक साथ हुए हैं तो बीजेपी और तृणमूल मजहब के नाम पर चुनाव नहीं कर पा रहा है, रोटी रोजी के सवाल सामने आ गया है, तो फिर से वो धर्म को सामने ले आ गई है। यह क्या है, अरे चैलेंज करके अगर हिम्मत है तो आप रामकृष्ण क्यों बोल रही है, भारत सेवा संघ क्यों बोल रही है, आप आरएसएस क्यों नहीं बोल रही है, विश्व हिंदू परिषद क्यों नहीं बोल रही है, दलित परिवार से भी बोल रही है, आप प्रजातंत्र क्यों नहीं बोल रही है, दुर्गा बाई जी क्यों नहीं बोल रही है, हिंदू संगति क्यों नहीं बोल रही है, जो एक के बाद एक वार्तालाप कर रहे हैं, मॉक मीटिंग कर रहे हैं, जब भी आपके नाम नहीं कर रही तब वो नहीं बोल रही, हिंदू और हिंदुत्व में फर्क है, बार बार कहते हैं हिंदू एक मजहब है धर्म है, उससे कोई बैर नहीं है, मजहब नहीं सिखाता आप अपने बैर रखना, लेकिन मजहब का चोला पहन करके जो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट होता है हम उसके खिलाफ है। आप अभी फिर से मैं फिलिस्तीन की बात करूंगा, लेकिन यूथ धर्म ज्यूज और जो जायनिज्म है जो नेता नाम है वो मजहब ही नहीं है, वो आर्मी लेकर के अमेरिका के मदद से डॉलर लेकर के पाउंड लेकर के वो फिलिस्तीनियों का जमीन कब्जा करना चाहता है, उसकी आजादी को छीनना चाहता है, जो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है वो मजहबी बात नहीं है। जैसे हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है, वैसे यूथ धर्म और जैनिज्म में फर्क है। हम जैनिज्म के खिलाफ है, हम हिटलर के खिलाफ थे, हम फासिज्म के खिलाफ थे, हम जनरल फॉर्म के खिलाफ थे, लेकिन ये जो उल्टा प्रस्ताव होते हैं वो कौन से फॉर्म को लड़ना चाहते हैं, वो मजहब से मजहब को लड़ना चाहते हैं, लेकिन आज बंगाल में हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं है, मुसलमान हिंदू के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है, हिंदू मुसलमान मिल करके चोर 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 को उल्टा प्रस्ताव को करप्ट लोगों को निकाल बाहर करना चाहते हैं। और इसमें हम आपके साथ
आपसे अपील करने आए हैं। आजकल मेरा आने जाना कम हो गया है, पुराने लोग जानते हैं, नए नौजवान जानते हैं, बहुत कैसे नौजवान है। मुझे पहले इसी से पहले मैं किसी जगह पर ऐसा करता था, चाहे स्टूडेंट हो चाहे यूथ मूवमेंट हो, ये हरिकोष कॉलेज में जो स्टूडेंट था स्टूडेंट तैयार करने का तो सच्चे तौर पर यहाँ पे स्टूडेंट लोग को लेकर भी करता था। तो खोला भाई ताली का ताल था, मैं इतना हमें वाला कॉलेज में पढ़ा, दाऊद यूनिवर्सिटी में पढ़ा, इतने अच्छे अच्छे कॉलेज होते हैं ऐसे क्यों है। बाद में जब राष्ट्रपति का मेंबर बना ये बिल का हो गया, बाकी सब इसकी फंड ले करके इसके बाद तो वो उसको पक्का किया गया, आदर किया गया। चाहे वो बर्तनवर लाइब्रेरी हो, चाहे यहाँ के स्कूल हो, अरे प्राइमरी काम करना पड़ता है। आज ये मिसमार कर रहे हैं हमारे स्कूल कॉलेज मदरसा सब को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सिर्फ चोरी के लिए। यही पॉलिसी है मोदी नया एजुकेशन पॉलिसी ले आकर के कहा है 2035 के बाद सरकारी कोई तंजीम नहीं रहेगा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। जिसके पास पैसा है वो खरीद करेगा बाद में। वो बाहर से बोल रहे हैं और ममता बनर्जी अंदर से ठोक रहे हैं, खूब उड़ उड़ के चीखते थे। आज उर्दू का किताब, उर्दू के स्कूल के टीचर, उर्दू डिपार्टमेंट की हालत, आगे यूनिवर्सिटी हमने बनाए और आज इसको बर्बाद किया जा रहा है। अगले यूनिवर्सिटी का कैंपस हम लोगों ने बनाया मुर्शिदाबाद में, आज मोदी और ममता मिलकर उसको बर्बाद कर रही है। चाहे सेहत हो, चाहे तालीम हो, चाहे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं सफर के लिए, इसकी जिम्मेदारी हुकूमत को लेनी पड़ती है। मोदी के पास रेल है, रेल लाइन है वो बेचना है, एयरपोर्ट है एयरलाइन है वो बेचना है, ममता के पास काम थे वो काम लेते हैं, वो भेज दे रहे हैं, काम बंद कर दे रहे हैं, सरकारी बसें बंद हो जा रही है। आप यहाँ से गाड़ी ब्रिज से धरसल्ला जाते वक्त 2011 से पहले कितना पैसा खर्च करते थे और अभी कितना पैसा खर्च करते हैं। आपके बीमार के लिए एक ही बीमारी उसके दवाई के लिए 2014 से पहले कितना खर्च करते थे और अभी कितना खर्च करते हैं। आप सरसों का तेल कितने रुपए में खरीदते थे और अभी कितने रुपए में खरीदते हैं। आप मेथी का तेल कासिन का तेल कितने रुपए में खरीदते थे और अभी कितने रुपए में खरीदते हैं। बिजली का बिल CSC एक ऑप्टिकल नजदीक में है, आपका बिल कितना होता था 10-15 साल पहले और अभी कितना होता है। जब आपसे ऐसा जा रहा है GST के नाम में और वो जब इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम में जब पैसा ले रहे हैं तो वो इस तरह नहीं करते, बोलते रहे हम तुमको जोखिम भंडार दीजिए, बोलते हैं ना इसको भंडार कहा जाता है। भंडार तो वो है जो 500 से जी के घर से निकला हो, पिता के घर से निकला, राशन चोरी किया, आपको सड़ा हुआ गेहूं का आटा खिलाया और बीमार किया, बाजार को गली जेल में है उसके पास भंडार, हम दो उसके पास भंडार, जो कोयला पाचार करती है जो पैसा अभिषेक ले जाते देश में उसको भंडार कहा जाता है। हम चोरी अगर बंद करते हैं और करेंगे, भ्रष्टाचार को अगर बचाते हैं तो लोगों को अपना हक मिलेगा। वह कैसे मिलेगा? ये जो अभी रस शरीर है ना, ये कांग्रेस का नेतृत्व जो है ना, मैं आसान तरीके से बताता हूँ। एक उतना सियासी बात नहीं, जब ये पसी बहुत पसीना होता है और प्यास होता है ना गर्मी के टाइम में, तो गंडे गंडे क्या गंडे बोलते हैं ना, गन्ना का रस निकालते हैं ना, एकदम जीवाणु मशीन है, थोड़ा लोहा का अच्छा होता है और बीच में थोड़ा छिड़का छीन करके अंदर डाल देना पड़ता है, धुआना पड़ता है, रस निकलता है ना, ये दो चक्का है लेफ्ट और कांग्रेस आधी रस शरीर को चोरी धांधली करके लूट करके कटवानी करके घर एक टाका 100 दिन में 40 टाका शिक्षकों के टाका जैसे जो पुल की जो रसा था ना रसीला थोड़ा छिलका छीलना पड़ेगा और वो दो चक्का के बीच में डालना पड़ेगा।
रस अपने आप से निकलेगा, थोड़ा चक्का घुमाना पड़ेगा तो सब रस निकलेगा, सब का हाथ निकलेगा। आप हमारी बात ट्रेडिशन नहीं कहेंगे, अदालत नहीं कहेंगे, इश्तेहारात नहीं मिलेगा, कांग्रेस की बात, राहुल गांधी की बात, प्रियंका गांधी की बात, मोहम्मद शरीफ की बात, सारे सारे की बात आपको बोलना पड़ेगा अपने घर के लोग के साथ, दुकानदार खरीदार के साथ, जहाँ सफर कर रहे हैं वहां के मोहल्ले में आपकी दिल से निकली हुई आपकी धड़कन की आवाज वो इश्तेहार से बहुत ज्यादा कीमती है। और इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह से लहर पैदा हुआ है खामोशी के साथ। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now